Hello student, welcome to all of you. Today we will start new grammar, many and much. Many and much, both the word have same meaning, a lot, means bahut. That's why you have a confusion. In this sentence we use many and much. इसी वजह से आप लोगों को confusion होता है कि many हम कहाँ use करें और much को हम कहाँ use करें. So today I am trying क्लियर योर डाउट्स. आपके डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विथ मैनी. मैनी ऑलवेज यूज विथ प्यूरल काउंटेबल नाउन्स. प्यूरल काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स हम उसके बारे में ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं जब हमने सम और मैनी एनी का यूज करना सीखे थे. ओके, बट एक बार मैं फिर से आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में. Countable noun means जिसे हम गिन सकते हैं और uncountable noun means जिसे हम गिन नहीं सकते. So many always use किसके साथ होगा? Plural countable nouns के साथ. Okay? So जो many हैं वो positive sentence, negative sentence और interrogative means question steps वाले sentence में भी use किया जा सकता है. First of all we will see in positive sentences. So there are many books on the table. See here, books is plural countable noun. Means book को हम गिन सकते हैं. That's why we will use here many. Book के साथ s लिखा हुआ है, it means plural. आपको सिर्फ इसी s और es को identify करके many का use करना है, क्योंकि many always use with plural countable noun के साथ ही use होगा. And second example, she has many friends. Again, friends is plural. आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम कौन सा मच और मैनी लगाएं. ओके, आप बस
available now, so that's why we will use here merge. Okay, so in this way we will use merge in uncountable noun के साथ. आप इसको pause कर लीजिए और इसे अपने copy में note कर सकते हैं. Okay, मैं फिर से आपको एक बार repeat करवा देती हूँ, revision करवा देती हूँ. Many and much का many always used with plural countable noun जिसके साथ s या es लिखा रहेगा. हम वैसे sentences के साथ, वैसे noun के साथ किसका use करेंगे? Many का. और much का अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करेंगे जहाँ ऐसा ईएस नहीं लिखा. ओके, इसको और अच्छे से समझने के लिए वी विल डू सम एक्सरसाइजेस. सो एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद मैनी मच. दिस इज अ क्वेश्चन. यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें मैनी और मच के सेंटेंस में क्या लगेगा आपको समझना है और इसको फिल करना है. ओके, सो इन फर्स्ट सेंटेंस डिड यू बाय दैट स्टोरी बुक्स. ओके, स्टोरी बुक्स लिखा हुआ है. बुक्स, स्टोरी बुक्स मीन्स एस लिखा हुआ है बुक के साथ. दैट मीन्स इट इज प्यूरल काउंटेबल नाउन. ये प्यूरल काउंटेबल नाउन है और प्यूरल काउंटेबल नाउन के साथ व्हाट वी यूज? यस, मैनी. यहाँ पर क्या लगेगा? मैनी. क्यों मैनी लग रहा है? क्योंकि बुक के साथ एस बुक्स काउंटेबल नाउन है. दैट्स व्हाई वी यूज हियर मैनी. इन सेकंड सेंटेंस हाउ डैश वाटर इज लेफ्ट इन दिस टैंक. वाटर, वाटर के साथ एस ईएस नहीं लिखा हुआ है. वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, सो इसके साथ हम इसका यूज करेंगे. इन थर्ड सेंटेंस आई हैव डैश टाइम टू हेल्प यू. सी हियर, टाइम, टाइम के साथ भी एस नहीं लिखा हुआ है. इट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ हम इसका यूज करेंगे मच. ओके, सो देखो कितना इजी है. मतलब हमको सिर्फ video. Bye bye.